बहराइच में थाना दरगाह शरीफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना दरगाह शरीफ के एसएचओ मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को लगभग 153 किलो अवैध गांजे के साथ चेकिंग के दौरान नई बस्ती बक्सीपुरा से गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के तार कहां कहां जुड़े हैं इसकी जानकारी की जा रही है। उन्होंने इनके तार पड़ोसी देश नेपाल से जुड़े होने की भी आशंका जताई है। पकड़े गए सभी अभियुक्त बहराइच के नानपारा इलाके के रहने वाले हैं। इनके पास से 153 किलो अवैध गांजे के साथ ही गांजा तौलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला धर्मकांटा, 4 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी अभियुक्तों को जेल रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों में पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के नेतृत्व में आज दरगाह पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें 153 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ उसमें 4 अदर मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक धर्म काटा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 8 अदर मोबाइल फोन जो है ये रिकवर हुए हैं। ये समस्त अपराधी गांजे का कारोबार करते थे अगल बगल के जनपदों में, खासकर श्रावस्ती और बलरामपुर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, कोई विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनके लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ अपराध से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसका भी आकलन किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी और 14 में उनके संपत्ति का जब्तीकरण भी किया जाएगा। ये पूरा विषय अभी विवेचनाधीन है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, ये सारी चीज़ें विवेचना में क्लियर की जाएंगी। लेकिन यह तय है कि इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसका जब्तीकरण किया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास वो सब सारी चीज़ें खंगाली जा रहे हैं निश्चित रूप से, इसमें कुछ नए लोग भी हैं लेकिन इसके पीछे कोई एक बड़ा नेटवर्क है, उसकी संभावना है, उसकी तलाश है। ये लोग नानपुर, ये हमारा जो पोरस बॉर्डर है, यहाँ से स्मगलिंग होती है और अवैध मादक पदार्थों की, इस पर हमारी भी नज़र है और नेपाल पुलिस से हमारा जो कोऑर्डिनेशन बैठक होती है उसमें उनकी भी नज़र है और इस पर एसटीएफ भी काम कर रही है। तो पूरे एजेंसीज मिल करके इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की फिराक में हम लोग हैं और इस तरह से सूचनाएं जैसे मिलती रहेंगी और हम लोग सफल होते रहेंगे।